तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में। देखिए, डेटा मेनुवार के अंदर जब आप गेट डेटा में जाते हैं फ्रॉम फाइल, और यहां से किसी पर्टिकुलर फाइल को आप लिंक करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ समीफ की फाइल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, सीट वन को सिलेक्ट किया। चाहिए फालतू में डेटा एडेड है, जो इसको नहीं करते, फिर दूसरा करते, माफ कीजिएगा। डेटा हमेशा डेटा फॉर्मेट में होता है तो बेटर रहता है। हमने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, और अब यहां पे मैं मान लीजिए कि लोड कर दे। बाकी अगर इसमें अंदर कोई चेंजिंग करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्म करके हम पावर क्वेरी पे चले जाते हैं और लोड करते हैं तो लोड हो जाता है। अब यहां भी क्वेश्चन आता है कि मुझे यहां ओवरऑल डेटा दिखा, राइट? मैं चाहता हूं कोई पर्टिकुलर ये लेके आए, मतलब कि मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए, या फिल्टर लगा के चाहिए कि मुझे डेटा सिर्फ साउथ का ही डेटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ एडिट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन वगैरह डिलीशन वगैरह कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कॉलम नहीं चाहिए तो हम सेलेक्ट करके उसकी राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ रिमूव होता है ना, रिमूव कर देते हैं। अब मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर इसका डेटा चाहिए, साउथ का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे साउथ या ईस्ट जो भी है सिलेक्ट करके ओके कर दिया एंड फिर लोड किया। तो इससे क्या हुआ कि अब मेरा वही डेटा आएगा जो हमने पावर क्वेरी में उसको फिल्टर किया। क्लियर है? अब यही चीज हम जो है पहले पावर क्वेरी जब नहीं था तो यही चीज हम इसको माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी से करते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में एक बेनिफिट होता था कि आप चेंज, जैसे मान लीजिए मुझे, आप मान लीजिए नॉर्थ का चाहिए, तो नॉर्थ का डेटा लेने के लिए मुझे राइट क्लिक करके नॉर्थ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं सेट कर सकते, मतलब कि राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाए और यहाँ डेफिनेशन पे आ जाए, तो यहाँ कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं है जिसे हम पैरामीटर सेट कर सके, समझे? एडिट क्वेरी करेंगे तो सीधे माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी पे चला। तो कुछ ऐसा अच्छा चाहिए जो हम चेंज भी कर सकें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। हम एक्सेल फाइल से लिंक करना है तो एक्सेल फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। अपने लोकेशन पे जाते हैं, यहाँ पे फोल्डर पे, सी ड्राइव की जगह पे डी ड्राइव करते हैं। डी ड्राइव में यहाँ आते हैं, डेटा होगा यहाँ पे एंड यहाँ पे ओके करते हैं। फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो इसी तरह के आएगा, दिस सोर्स नर डेटा कंटेन द वेरिएबल टेबल, ठीक है ना? ओके करने के बाद यहाँ ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन पे जाएंगे और सिस्टम टेबल पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे, सिस्टम टेबल पे, देन ओके। अब यहाँ आपके सामने हुआ, अब मुझे जो जो फील्ड चाहिए वो हम रख चाहिए यहाँ पे, क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, टोटल सेल्स वैल्यू चाहिए, कैटेगरी सब कैटेगरी, रीजन, कस्टमर, जोन, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए वो हटा दी। फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। अब मान लीजिए फिल्ट्रेशन चाहिए, आपको फिल्टर लगाना है, जैसे मुझे जोन पे फिल्टर लगाना है, तो जोन को सिलेक्ट करके हमने बोला कि इक्वल टू, और यहाँ पे जोन साउथ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। ये साउथ का डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ M1 में मैं जोन को लिखूं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ईस्ट, तो यहाँ ईस्ट का आ जाए, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा डेटा मेनू बार के अंदर और हमें जाना होगा क्यूरी कनेक्शंस, और हमारा जो क्यूरी है, क्यूरी फ्रॉम एक्सेल फाइल, इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे, तो यहां देखिए ये रहा हमारा सिक्वल क्यूरी, है ना?
अब मुझे जहां पे साउथ है वहां पे कुछ नहीं करना, पैरामीटर सेट करना। तो पैरामीटर सेट करने के लिए जस्ट एक क्वेश्चन मार्क देना होगा। जैसे क्वेश्चन मार्क दे के आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपको यहां से पूछेगा पैरामीटर क्या है। तो हमने डाल दिया कि हमारा M2 यूज रेफरेंस और रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन यू चेंज पे क्लिक कर दीजिए, देन ओके। अब देखिए इसका आ गया। अब मैं यहां नॉर्थ का डालता हूं तो देता नॉर्थ का आ जाएगा। अच्छा नॉर्थ की स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए आर नहीं डाला मैंने, ठीक है ना। वेस्ट चाहिए, हाँ वेस्ट चाहिए तो वेस्ट, डेटा में स्पेलिंग मिस्टेक का, तो वेस्ट का डेटा आ गया सर। तो यहाँ ड्रॉप डाउन चेंज करते ही हमारा डेटा चेंज हो जाता है। ओके अब मैं इसको राइट क्लिक यहाँ पे इस पे डेवलप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल क्वेरी अगर आपको आती है तो इसमें और भी से कंडीशन ऐड कर सकते हैं, वेयर कंडीशन, फिल्टर कंडीशन वगैरह आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है, जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर। अब मान लीजिए कि मुझे डेटा को समराइज करके ही इंस्टॉल करना है। मुझे मान लीजिए मुझे डेटा कस्टमर वाइज ही हमें समराइज करना है, समझ गए। और मुझे क्वांटिटी का टोटल लेना है, तो ये चीजें भी आप इसके साथ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको वही एसक्यूएल क्यूरी आनी चाहिए। तो यहां पे आते हैं, हम एक्सेल फाइल पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं, और हम यहां ड्राइव चेंज करते हैं, डी ड्राइव में आते हैं और यहां से हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं एंड ओके। मुझे यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी सेल्ड और साथ में चाहिए मान लीजिए कस्टमर, दो ही के अकॉर्डिंग करना है ना सर, इसलिए दो ले लिया हमने। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ एडिट क्यूरी माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी करेंगे तो एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। और ये रहा एसक्यूएल, यहाँ एसक्यूएल के जरिए आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी कस्टमर, राइट। अभी ये जो यहाँ लिखा हुआ है C1 क्वांटिटी कॉल, इसमें जो कॉमा वगैरह है उसको सेम रखिएगा, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कर दिया कॉमा और हमने बोला टोटल एज ए, नहीं सॉरी अलग मैं इसको इस तरह से सम, और सम के अंदर हमने डाल दिया फील्ड और इसमें लिख दिया एज टोटल, और नीचे फ्रॉम आ गया, उसके नीचे मुझे डालना पड़ेगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय और किसके अकॉर्डिंग, तो मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, कॉपी एंड पेस्ट। अब ओके कीजिए, ओके। अच्छा इसमें कुछ एरर है, सेलेक्ट कस्टमर सम ऑफ सोल्ड क्वांटिटी एज टोटल, एज ए टोटल तो नहीं हो। अच्छा ग्रुप बाई की स्पेलिंग सही है ना, भी नहीं। इसमें थोड़ा ये होता दिक्कत कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि आपका स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाता है। एक मिनट, तो हमने यहाँ पे क्या गलती की थी, सबसे पहले जो टोटल था उसको डबल कोटेशन मार्क में नहीं डाला था, तो मैंने यहाँ इसको डबल कोटेशन मार्क में डाल दिया और ग्रुप बाई को हमने एक साथ लिख दिए थे, अलग अलग लिखना था, ठीक है ना।
तो और बाकी जो चीजें है वो चीजें सेम रखी, अलग अलग फाइलें हैं, आप कर सकते हैं, आप ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कॉर्पोरेट का आ गया। अब इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइल में जाके आप कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न टू एक्सेल, और ये आपका देखिए यहाँ पे आ गया। और साथ में लिंक भी है, वहां किसी तरह की चेंज होती है तो आपका ये समरी भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी।